तो हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने आपको ईबीएस का दो एक वीडियो ऑलरेडी दे दिए हैं और साथ में यहाँ पे आपको सीडीपी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे शेयर किए थे। तो आज भी हम आपको ईबीएस की क्वेश्चन दे रहे हैं, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो पहला क्वेश्चन होगा या आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्लेग इज यानी प्लेग है। तो आप सभी को एक बात बता देना ज़रूरी है, यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन यानी एमसीक्यू दे रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक वाइज या टॉपिक के रिलेटेड जो पॉइंट होगा उसी का लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और साथ में भी एमसीक्यू होगा। तो यहाँ पे देख सकते क्वेश्चन दिया गया है, प्लेग इज यानी प्लेग है ए वायरल डिजीज़, ए फंगल डिजीज़, ए बैक्टीरियल डिजीज़, ए डी में दिया हुआ है मिनरल बॉन्ड डिजीज़। तो उसका सही आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका सही आंसर है सी वाला, यानी प्लेग एक जो रोग है या एक डिजीज़ है वह बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगर उसमें बात करें तो इट इज़ एन इन्फेक्शियल डिजीज़। तो आप देख सकते हैं दैट स्प्रेड ड्यू टू ए बैक्टेरियम कॉल्ड पेस्टेरुला पेस्टिस। तो आप यहाँ पे उस ऑप्शन को भी जानने की कोशिश करें जो बैक्टेरियम होता है या जिस बैक्टेरिया की वजह से ये प्लेग रोग होता है, तो इसके पेस्टेरुला पेस्टिस के नाम से जाने जाते हैं। तो उसके कैरियर आप शायद जान सकते हैं, ये रेट होता है, रेट से ही उसको स्प्रेड किया जा सकता है, या रेट उसको बाहक के नाम से जाने जाते हैं। तो रेट होता है उसका कैरियर। तो प्लेग का कैरियर के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो वह आप रेट ही दे सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी गैसियस वेस्ट यानी बायोवीय वर्ज्य है। तो ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, द डर्टी वाटर ऑफ द ड्रेन्स ऑफ द गार्डन, उसके बाद दिया गया है द वेस्ट कमिंग फ्रॉम द फील्ड बैंड, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है द वुड। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है तो उसके साथ आप यहाँ पे लगा सकते हैं कोल यानी द वुड एंड कोल फ्लेम। तो यहाँ पे जो बायोवीय वेस्ट होता है वो होता है लगभग जो कोल होता है या लकड़ी होता है उसके जो धुआं निकल कर आते हैं उसे गैसियस वेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बायोवीय वर्ज्य जो है उसे डी वाला ऑप्शन यानी द वुड एंड कोल फ्लेम, इसी ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स विल प्रोपेगेट फार एंड वाइड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो दूर से दूर तक प्रचारित या संचारित हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्पॉटेड प्लांट, स्पॉटेड बाय सीड, प्लांटेड बाय फैट्स यानी जो चर्बी से लगाया गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सोमैटिक रिप्रोडक्शन। यानी ये जो तीनों ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है स्पॉटेड प्लांट, स्पॉटेड बाय सीड, प्लांटेड बाय फैट्स, ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। जो लगभग यहाँ पे चौथा यानी डी वाला ऑप्शन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सोमैटिक रिप्रोडक्शन वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। यानी सोमैटिक रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो दूर से दूर तक संचारित हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है यानी वो जो द फॉलोइंग प्लांट्स विल प्रोपेगेट फार एंड वाइड, तो ये वाला ऑप्शन ही डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है व्हेन वन ऑर्गेनिज्म टेक्स एडवांटेज विदाउट अफेक्टिंग द अदर ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड, यानी जब एक जीव दूसरे जीव को प्रभावित किए बिना लाभ उठाता है तो उसे क्या कहा जाता है या उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है पैरासाइट, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है सिम्बायोटिक, उसके बाद दिया गया है डेड मॉथ। तो आप शायद या आप सभी को तो जान या आपको तो शायद मालूम है कि अगर एक तो दूसरे प्लांट में रहता है, अगर उसमें कोई किसी तरह का भी कोई क्षति या नुकसान नहीं पहुंचाता है तो वह सभी एक दूसरे के मेल जुल के रह सकते हैं। तो मेल जुल के रहने से उसे कहा जाता है सिम्बायोटिक। तो बी वाला ऑप्शन ही है करेक्ट ऑप्शन, यानी व्हेन वन ऑर्गेनिज्म टेक्स एडवांटेज विदाउट अफेक्टिंग द अदर ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। तो उसके बाद यहाँ पे दिया गया है व्हेन द पीकॉक ईट्स द स्नेक, द स्नेक ईट्स इंसेक्ट एंड द इंसेक्ट ईट ग्रीन प्लांट। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, यानी व्हेन द पीकॉक ईट्स द स्नेक ईट द इंसेक्ट एंड द इंसेक्ट ईट ग्रीन प्लांट देन द न्यूट्रिशनल फ्लोर ऑफ द पीकॉक इज, यानी जब मोर सांप को खाता है तो सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खा देते हैं, फिर मोर का पोषण स्थल है। तो आप उसे
ऑप्शन को पहले समझने की कोशिश करें। यहाँ पे दिया गया है प्राइमरी कंज्यूमर, लास्ट डिकम्पोजिशन, प्राइमरी डिकम्पोजिशन या एट द टॉप ऑफ द फूड पिरामिड, यानी खाद्य सिंकल के या जो पिरामिड होता है फूड पिरामिड के सबसे ऊपर ही होगा। तो ऑप्शन डी वाला ऑप्शन ही है करेक्ट ऑप्शन, यानी उसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो हम आपको एक पिरामिड के जरिए से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है डी वाला ऑप्शन ही है करेक्ट ऑप्शन, अगर आप उसे एक पिरामिड के जरिए से समझने की कोशिश करें तो आपको और भी आसानी हो सकता है। तो हम आपको यहाँ पे एक पिरामिड ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको कुछ आसानी हो। तो यहाँ पे बताया गया है हरे पौधे, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ग्रीन प्लांट हम जी लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है इंसेक्ट, उसके बाद इंसेक्ट, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है स्नेक, उसके बाद यहाँ पे आता है मोर। तो मोर होगा यानी एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, यानी देन द न्यूट्रिशनल फ्लोर ऑफ द पीकॉक इज एट द टॉप ऑफ द फूड पिरामिड। तो शायद आपने इस क्वेश्चन की ऑप्शन को समझ लिया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक शेल, तो यानी निम्नलिखित में से कौन कायिक रूपांतर शेल का एक उदाहरण है, यानी यहाँ पे दिया गया है सैंडस्टोन, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मैनाइट, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मार्बल, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है लाइमस्टोन। तो क्वेश्चन शायद आपने देख लिया होगा मेटामॉर्फिक शेल, और साथ में यहाँ पे बताया गया कौन कायिक रूपांतर शेल का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मार्बल यानी सी वाला ऑप्शन ही है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटीज इन द ओशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा लवण महासागरों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पे बताया गया है कि महासागरों में सबसे ज़्यादा कौन सा लवण या कौन सा सॉल्ट ज़्यादा पाया जाता है या पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उसका तो इसका सही आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, यानी सागर में या निम्नलिखित में से जो जिस लवण पाया जाते हैं महासागरों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाते हैं वह है सी वाला ऑप्शन, यानी सोडियम क्लोराइड ही है उसकी करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स नॉर्थ सी बॉर्डर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिनके समुद्री सीमा नहीं है। तो यहाँ पे हम उसके ऑप्शन को लेकर बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, तो जितना शेयर होता जाएगा उतने जितने कैंडिडेट आते जाएंगे हमको भी इंस्पिरेशन मिलेगा, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर पाएंगे। और जो क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे वो इम्पोर्टेंट ही होगा, और लगभग भारत के जितने सारे स्टेट से परीक्षा हुआ है उन सभी की परीक्षा परिवारों से हम आपको मिल करके या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम रिलेटेड है या सीटेट में आने वाले क्वेश्चन है उसी को लेकर ही हम बात करने वाले हैं। तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जिससे आपको फ़ायदा होगा, और ये परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन के लेकर ही हम बात करेंगे, और प्रीवियस ईयर की जो सीटेट की पेपर है उससे भी हम मिलाव करेंगे, उस तरह ही हम आपको क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट उस वीडियो को देख पाए और सभी को हेल्प हो सके। तो आपसे की इस बात को हम सिर्फ उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है सी वाला ऑप्शन, यानी राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसकी समुद्री सीमा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि पोल्यूशन लेवल ऑफ ए रिवर इज मेजर्ड बाय, तो नदी का प्रदूषण स्तर किसके द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है ATP, बी में दिया गया STP, उसके बाद सी में दिया गया है BOD, डी में दिया गया है WPL। तो ऑप्शन सी वाला ऑप्शन है BOD, यानी BOD के द्वारा नदी के प्रदूषण को मापा जाता है। तो BOD की मीनिंग अगर आपको शायद मालूम होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन आप उसको लिखने की भी कोशिश करें, परीक्षा में होता है क्या ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है BOD का फुल मीनिंग क्या है। तो BOD के मेन फुल मीनिंग है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद आता है व्हाट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की सबसे ठंडी परत क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया थर्मोस्फेयर, उसके बाद दिया गया मेसोस्फेयर, उसके बाद दिया गया ट्राइस्फेयर, उसके बाद आयनोस्फेयर। तो ये जो ऑप्शन बी वाला ऑप्शन यानी मेसोस्फीयर ही है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, यानी कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है मेसोस्फीयर। उसके बाद अगर बात करें तो द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 इज, यानी भारत में जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात है। तो ऑप्शन दिया गया है MA 940:1000।
तो 916 और हज़ार, उसके बाद 920, उसके बाद 1000, 982, 1000। तो ऑप्शन ए वाला ऑप्शन ही है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो व्हिच स्टेट इज इन्वॉल्व इन चिपको मूवमेंट टू सेव द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य शामिल है। तो ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, उसके बाद दिया गया है उत्तराखंड, उसके बाद दिया गया है राजस्थान, उसके बाद दिया गया है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट से ये काम शुरू हुआ है, यानी चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड अंडर द लीडरशिप ऑफ फेमस एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा चांदी प्रसाद भाट। तो ये जो शुरू हुआ था यानी पर्यावरण को बचाने के लिए या एनवायरमेंट को सेव करने के लिए जो आंदोलन शुरू किया गया तो उसके चिपको मूवमेंट कहा जाता है। चिपको मूवमेंट लगभग 1973 में शुरू हुआ था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया द बिहेवियर ऑफ जीन्स इज स्टडीड, यानी जीन के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथियोलॉजी, इथोलॉजी, न्यूलोनॉमी, उसके बाद डेमोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है या सही आंसर है वो है इथोलॉजी, यानी जीन के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो होता है इथोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है समुद्री सीवीड इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, यानी समुद्री शैवाल का किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन। तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये जो दिया गया है वो है आयोडीन वाला, यानी आयोडीन है, सीवीड इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपको और भी क्वेश्चन देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। सिर्फ आप हमसे लगे रहे, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने करके जोड़ने की कोशिश करें। हम तो आपको यहाँ पे MCQ दिए है, नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो होगा जो सिलेबस के ऊपर डिपेंड करके हम आपको टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे और टॉपिक के साथ कोई MCQ होगा। और साथ में हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द उसका जो टेस्ट है उसको टेस्ट भी लेने की कोशिश करेंगे। जैसा टेस्ट लिया जाता है हम आपको उसी तरह की टेस्ट लेंगे। हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे होगा, किस तरह लिया जाएगा, हम आपको बताने की भी कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा और बताने की ज़रूरत नहीं, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर किसी भी कमेंट, किसी भी ऑप्शन में अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको और भी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।